हेलो दोस्तों, आप सभी एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिलता है। हमें बताना है कि भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में मानव का जो सर्वोत्तम साक्ष्य है हमें नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का जो सर्वोत्तम साक्ष्य है वह नर्मदा घाटी से मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4, कच्छ की खाड़ी। तो जो कच्छ की खाड़ी है यह अभी तक जैवमंडल आरक्षित स्थान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। हमें बताना है कि अपने परिक्रमा पथ में जो पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अपने पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। हमें बताने की मनुष्य ने सबसे पहला कौन सा अन्न प्रयोग में लाया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले जौ अन्न प्रयोग में लाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि जो नंदा देवी चोटी है किस हिमालय का भाग है। तो जो नंदा देवी चोटी है यह है कुमाऊ हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो कुमाऊ हिमालय का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो नंदा देवी जो चोटी है यह कुमाऊ हिमालय का भाग है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। हमें बताना है कि जो बल है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन। क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7 का कह रहा है कि विशाल स्नानगार कहाँ मिलता है। विशाल स्नानगार जो है कहाँ मिला था। तो विशाल स्नानगार की अगर हम बात करें तो यह मौन जोदड़ो मिला था। कहाँ मिला था? तो मौन जोदड़ो मिला था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 का कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। हमें बताना कि जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है कौन से राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां पर है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें बताने की जो रॉकेट है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट है यह न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। हमें बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति देवता की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का वेलुकुंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है। हमें बताने की निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का वेलुकुंडा जो समूह है किसका संरचनात्मक भाग है। तो यह है पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है। किसका? तो पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 का कह रहा है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसे होता है। हमें बताना है कि
गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शून्य। तो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसा होता है? तो शून्य होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? हमें बताना है कि जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यगार है। कौन सा है? तो धान्यगार है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? हमें बताना है कि जो हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला जो है, हिमालय की जो पीर पंजाल है पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमालय की जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल पर्वतमाला, यह है निम्न हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो निम्न हिमालय का भाग है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हिमालय की जो पीर पंजाल है यह निम्न हिमालय का भाग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? हमें बताना है कि जो उड़ान अभिलेखी है इसका तकनीकी नाम क्या है। तो उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है काला बक्सा। तो उड़ान अभिलेखी जो तकनीकी नाम क्या है? तो काला बक्सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। हमें बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह मृत भांड। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि नाग टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? हमें बताना है कि जो नाग टिब्बा और जो महाभारत पर्वतमाला है यह किसमें शामिल है? तो यह जो है निम्न हिमालय में शामिल है। तो नाग टिब्बा और जो महाभारत पर्वतमाला है यह निम्न हिमालय में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? हमें बताना है कि पृथ्वी पर शरीर का जो अधिकतम भाग हो, अधिकतम जो भार होता है वह कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी पर जो शरीर का अधिकतम जो भार होता है वह दक्षिणी ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है? तो दक्षिणी ध्रुव पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हमें बताना है कि जो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वह पूर्व आर्य के समय से माना जाता है। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य के समय से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमें बताना कि भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के पूर्वी घाटों की जो सबसे ऊंची चोटी है वह महेंद्रगिरी है। कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह अधिकतम होती है। हमें बताने की कहाँ पर अधिकतम होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की जो क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह ध्रुवों पर अधिक होती है। कहाँ पर? तो ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है? हमें बताना है कि एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल कैसी होती है? तो एक से अधिक मैक संख्या वाले जो पिंड होती है उसकी जो चाल होती है वह पराध्वनिक चाल होती है। कैसी होती है? तो पराध्वनिक चाल होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे? हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन व्यक्तियों ने खोजा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज निकालने में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। तो जो सिंधु सभ्यता की खोज है यह राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि
कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? हमें बताना है कि कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है यह निचला हिमालय और शिवालिक जो हिमालय है, इन दोनों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है यह निचला हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि चुंबकीय, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? हमें बताना कि चुंबकीय, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल जो है यह किस संवर्ग में आते हैं। तो ये तीनों अस्पष्ट बल के संवर्ग में आते हैं। तो ये तीनों कैसे है? तो अस्पष्ट बल है। तो ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यह थे हमारे इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न।